नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यश। स्वागत करता हूं आपके इस वीडियो में जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दोस्तों, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की चैलेंज सीरीज चल रही है जहां पर हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप इन क्वेश्चंस को बना पाते हो और आपका दोस्त नहीं बना पाता है तो बहुत ही आपकी जो रैंक है वो बहुत बढ़िया इंप्रूव हो जाएगी। और जनरली मैं वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो 90% लोग गलत करके आते हैं। तो आज की वीडियो में भी हम तीन ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम सम ऑफ डिजिट्स प्रॉब्लम पर एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। उसके अलावा मल्टीपल ग्रुप्स वाले कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे जहां पर हमको एन मैन और एन वुमेन दी होंगी और उनमें से हमको कुछ मैनिपुलेशन करना होगा। उसके अलावा हम बाइनोमियल थ्योरम का क्या यूज है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में वो भी देखने वाले हैं। तो अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये, तो प्लीज लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे आता हूँ दोस्तों। विप्रो एनएलटीएस 2019 में आया था, मेरे खुद के बैच में आया था दोस्तों, और मेरे सारे दोस्त, ऑलमोस्ट सारे के सारे दोस्त इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे दोस्तों। फिर मैं सही करके आया था। टेक्स्ट बुक्स में मैंने इसका सॉल्यूशन देखा, बहुत कॉम्प्लिकेट करके बताते हैं, बिल्कुल सिंपल आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, थ्री डिजिट नंबर्स आपको फॉर्म करना है 13 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों, वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, फिर आप आइएगा सॉल्यूशन देखने के लिए। अब ए बी सी लेट से मैंने यहाँ पर ले लिया, ये मेरा थ्री डिजिट नंबर हो गया दोस्तों। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 100A प्लस 10B प्लस C, है ना, ABC थ्री डिजिट नंबर। देखिए आप जैसे लेट से 321 है तो इसको आप 100 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। तो ये A की वैल्यू यहाँ पे 3 है, B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 1 है। नहीं मान रहे आप तो कैलकुलेट करके देख लीजिए, 300 प्लस 20 प्लस 1 आ गया, विच इज नथिंग बट 321 आ गया। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको। अब क्या बोल रहे हैं, 13 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। जो मेन हमारी लीडिंग इक्वेशन है वो क्या बन गई, 100A प्लस 10B प्लस C शुड बी इक्वल टू 13 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। यानी सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगा, A प्लस B प्लस C। इक्वेशन को सॉल्व कीजिए फटाफट, 100A प्लस 10B प्लस C विल बी इक्वल टू 13A प्लस 13B प्लस 13C। A को लेफ्ट ले जाएंगे, B और C को राइट ले जाएंगे, तो ये बचेगा 87A इक्वल टू, यहाँ से दोस्तों आ गया आपका 3B प्लस 12C। 3 से डिवाइड करने पर ये आ रहा है दोस्तों 27A is equal to, sorry, 29A is equal to B plus 4C। दोस्तों अब ये equation बहुत important है, 29A equal to B plus 4C, इस equation के कितने solutions होंगे, कौन कौन सी A, B और C की value satisfy कर रहे हैं, उस हिसाब से हम अपना answer बता देंगे दोस्तों। अब यहाँ पर आप एक चीज notice कीजिए, A, B, C जो है वो digits हैं, तो maximum value A, B, C की क्या possible हो सकती है, 9, है ना, कोई भी digit जो है वो 9 से बड़ा नहीं हो सकता। तो मैं थोड़ी देर के लिए बी को 9 और सी को 9 रख देता हूँ दोस्तों, खुद से सॉल्यूशन ये ड्राइव किया है मैंने, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये ऑब्जर्वेशन अगर आपने नोटिस कर ली होती ना तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। अब यहाँ पे बी की जगह 9 रख दिया और 9 इंटू 4 कितना हो गया, 36, यानी इक्वल टू ये आ गया दोस्तों 45। तो राइट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 45, बिकॉज बी और सी मैक्सिमम 45 हो सकते हैं दोस्तों। अब लेफ्ट हैंड साइड में मैं अगर ए की वैल्यू 2 रखूं, है ना, ए की वैल्यू लेट से 2 रख दी, तो 29 मल्टीप्लाइड बाय आप 2 कर देंगे तो ये बन जाएगा 58 दोस्तों। तो यहाँ पर जो है वो बन जाएगा दोस्तों 58, है ना, तो राइट हैंड साइड 45 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो लेफ्ट हैंड साइड 58 तक तो जा ही नहीं सकते हम, लेफ्ट हैंड साइड को भी हमको 45 से कम ही रखना है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर आप 1 ही रख सकते हो, उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ए आप 0 वैसे भी नहीं रख सकते बिकॉज पहली डिजिट है, थ्री डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो ए 0 नहीं हो सकता, ए की एटलीस्ट वैल्यू 1 होनी चाहिए और ए की वैल्यू 1 ही होगी, बिकॉज आप ए की वैल्यू 2 रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 58 हो गया, राइट हैंड साइड कभी 45 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो 58 पॉसिबल ही नहीं है। तो ए की वैल्यू जो है वो 1 फिक्स हो गई दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। तो अगेन यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, बी प्लस 4C आ रही थी इक्वेशन, एम आई राइट, यस, बी प्लस 4C आ रही थी, A की वैल्यू 1 आ रही थी दोस्तों, A की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो B plus 4C is equal to आ गया आपका 29 दोस्तों। अब यहां से 4C equal to 29 minus B आ गया दोस्तों, C की वैल्यू 29 minus B by 4 आ गई दोस्तों। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, अब आप ये बताइए B और C हैं तो इंटीजर वैल्यू है ना, बिकॉज ABC जो है वो थ्री डिजिट नंबर है, तो B और C इंटीजर वैल्यू है,
अब सी को इंटीजर बनाने के लिए दोस्तों 29 माइनस बी जो है इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4, ये बात आप समझ पा रहे हैं क्या? बिकॉज तभी ये 4 से डिवाइड होगा, तो 29 माइनस बी जो है वो 4 का मल्टीपल होगा। अब एक एक वैल्यू पुट कीजिए, बी को 0 पुट करने पे 29 आ रहा है तो भैया 4 का मल्टीपल नहीं है, बी की वैल्यू 1 पुट करने पे 28 आ रहा है तो b इक्वल टू 1 जो है वो वैलिड केस है, बिकॉज 28 जो है 4 का मल्टीपल है। अब b की वैल्यू आप यहाँ पर 1 पुट कर दी, 2 पुट करने पे 27 अगेन नहीं चलेगा, 3 पुट करने पे अगेन नहीं चलेगा, 4 पुट करने पे अगेन नहीं चलेगा, 5 पुट करने पे 24 आ रहा है b की वैल्यू 5 पुट करने पे, तो ये बिल्कुल वैलिड केस है बिकॉज 24 जो है वो 4 का मल्टीपल है। ठीक है, b की वैल्यू 6 पुट करने पे 23 आ रहा है, 7 पुट करने पे 22 आ रहा है, 8 पुट करने पे 21 आ रहा है, 9 पुट करने पे दोस्तों यहाँ पर 20 आ रहा है, 20 इज अगेन अ मल्टीपल ऑफ 4, तो दोस्तों यहाँ पर बी की तीन ही पॉसिबिलिटीज है 1, 5 और 9 दोस्तों, राइट। अब बी की जो तीन पॉसिबिलिटीज है, एक की तो एक ही पॉसिबिलिटी है 1, बी की तीन पॉसिबिलिटीज है 1, 5 और 9, और अगर बी की वैल्यू 1 आ रही है तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 7 आ जाएगी, राइट। अगर बी की वैल्यू, ये c की वैल्यू है ना, तो b की आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 28 by 4 is 7, अब b की वैल्यू आप 5 रखोगे तो कितना आ जाएगा 24 by 4 which is nothing but 6, right? और b की वैल्यू आप 9 रखोगे तो which is nothing but 20 by 4 यानी 5, तो ये 5 आ गई दोस्तों। तो यहाँ से क्लियर है नंबर कौन कौन से हो गए, 1, 1, 7, बिकॉज a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 रखने पे c की वैल्यू 7 आ रही है, a की वैल्यू 1 ही रखना है, b की वैल्यू अगर आप 5 रखोगे तो c की वैल्यू 6 आ गई, ए की वैल्यू 1 रखेंगे हम बिकॉज 1 के अलावा कुछ नहीं रख सकते, बी की वैल्यू 9 रखेंगे तो सी की वैल्यू 5 आ गई दोस्तों। यही तीन वो 3 डिजिट नंबर केवल पॉसिबल हैं जिनका जो सम ऑफ डिजिट्स हैं दैट इज व्हिच इज 13 टाइम्स द सम ऑफ देयर डिजिट्स, यानी ये वो नंबर हैं जिनका आप अगर सम कैलकुलेट करोगे, मतलब इन नंबर्स का आप सम जो कैलकुलेट करोगे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर 13 टाइम्स द सम ऑफ देयर डिजिट्स दोस्तों, तो ये अपने जो डिजिट का जो सम है उनका 13 टाइम्स आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 7 + 1 + 8 9 है, अब 9 को आप 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 117 आएगा, अब यहाँ पर 156 सम ऑफ डिजिट्स कीजिए 6 5 11 1 12, तो 12 × 13 आप करोगे तो 156 आएगा, अगेन यहाँ पर कितना हो गया 9 + 5 = 14 = 115 है, 15 × 13 करोगे अगेन 195 आपको मिल जाने वाला है। तो ये वो 3 डिजिट नंबर्स हैं which are 13 times the sum of their digits, answer is A, बिल्कुल क्लियर आंसर है दोस्तों, 60 सेकंड्स में आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, या समझाने में टाइम लगा तो बिल्कुल आपको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, कुछ भी डाउट हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिसर्च पेपर ऑफ TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के रिसर्च पेपर से लिया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, देयर इज अ सेट ऑफ 2n पीपल, टोटल 2n पीपल है जहां पे n मेल एंड n फीमेल है, A good party is one with equal number of males and females, including the one where none are invited. The total number of good parties are. दोस्तों total 2n people हैं, जहाँ पर n male हैं, n female हैं. Good party का मतलब क्या? Equal number of male and female हो सकते हैं, including the one where none are invited. यानी zero male और zero female भी अगर हैं, none are invited का मतलब एक भी male, एक भी female नहीं है. तो अगर zero male, zero female भी है, तो भी equal number of male and female है. उस case को भी count करना है. टोटल नंबर ऑफ गुड पार्टीज आपको कैलकुलेट करना है, तीन ऑप्शन दिए दोस्तों, चौथा ऑप्शन मैंने मिस कर दिया, 2n cn जो है चौथा ऑप्शन गिवन था दोस्तों, राइट। तो अब क्या करना है दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर 2n पीपल है, n मेल n फीमेल है दोस्तों, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पहली पॉसिबिलिटी तो हो सकती है जीरो मेल ले लें और जीरो फीमेल ले लें, राइट। तो कैसे आप चूज कर सकते हो, n में से जीरो मेल ले लिए, n में से जीरो फीमेल ले लिए, n मेल n फीमेल है, अब वन मेल वन फीमेल ले लिया दोस्तों, कैसे चूज कर सकते हो, एन में से वन मेल एन में से वन फीमेल ले लिया दोस्तों, अब दो मेल दो फीमेल भी हो सकते हैं, राइट। तो एन चूज टू और एन चूज टू है ना, बिकॉज एन में से दो मेल ले लिए, एन में से दो फीमेल ले लिया दोस्तों, इसी तरीके से हम एन मेल और एन फीमेल भी ले सकते हैं टोटल, तो एन मेल ले लिए और एन फीमेल ले लिए है ना, कितने भी मेल और फीमेल आ सकते हैं ना पार्टी में, बट बोला बस ये गया है कि जितने मेल आए उतने ही फीमेल आए, तो n में से n मेल ले लिए, n में से n फीमेल ले लिए और इन सभी का हम कर देंगे सम, बिकॉज सारी पॉसिबिलिटीज ले ली, तो यहाँ पे क्या आ गया, n choose 0 into n choose 0 plus nc1 into nc1 plus nc2 into nc2
प्लस अपटेल एनसीएन इनटू एनसीएन दोस्तों बाइनोमियल थ्योरम का बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है। जब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा आपको। इसका आंसर 2NCN निकल करके आता है दोस्तों। आप कोई भी छोटी मोटी अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आता एग्जाम में तो कोई भी दो तीन वैल्यूज पुटअप करके आप जो है वो क्लोजेस्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो 2NCN जो है वो आंसर है, राइट आंसर। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आता है ना तो भी आप इसको सही कर देते। आप दो मेल दो फीमेल लेकर के काउंट कर लेते है ना, और फिर ऑप्शंस वेरीफाई कर लेते। जब भी एन वाले केसेस आए ना जहाँ पे एन वेरिएबल में दिया है तो हमेशा एक दो वैल्यूज रख लीजिए, थ्री मेल थ्री फीमेल मान लेते आप है ना, और तब देख लेते कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही। बट ये मैंने जनरलाइज आपको समझा दिया दोस्तों। नीचे आपको स्क्रीन पे हमारे सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स की लिंक मिलती जा रही है। COVID-19 का टाइम में एक भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए दोस्तों। हम हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे हर जगह अलग अलग चीजें करा रहे हैं, क्विज कंडक्ट करा रहे हैं कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, कहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटीज डाल रहे हैं दोस्तों। तो सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप हमको फॉलो कर लीजिए, बहुत जरूरी है, आप ही का बेनिफिट है। क्विज सॉल्व करते जाइए दोस्तों, चैलेंजिंग मॉडरेट इजी सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं क्विज में दोस्तों। जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट एंड मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके क्विज के आंसर्स चाहिए। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।